नमस्कार, बात हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। देश लगातार आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर में शुरू हुई मंदी अब दूसरे सेक्टर की ओर बढ़ती जा रही है। तो वहीं इस बीच नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने सरकार से निजी कंपनियों को भरोसे में लेने की सलाह दी। राजीव कुमार ने कहा कि किसी ने भी पिछले 70 साल में ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है, ऐसी परिस्थिति नहीं देखी है जहां सारा वित्तीय क्षेत्र उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजीव कुमार के मुताबिक नोटबंदी और जीएसटी के बाद कैश संकट बढ़ा है। इस दौरान राजीव कुमार ने इसका पूरा जिम्मेदार केंद्र सरकार पर साधा है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पर आ गई है। भारत की जीडीपी का आकार लगातार मंदी के दौर से गुजरने के बाद इस वक्त 2.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने 2024 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का दावा किया है। इसी बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2019 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.2% रहने का अनुमान है और इससे पहले कई एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया था। इस लिहाज से मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 0.6% कम कर दिया है। मूडीज के एक बयान में बताया गया कि अर्थव्यवस्था में इस सुस्ती ने एशियाई निर्यात पर प्रतिकूल असर डाला है और कारोबार के लिए अनिश्चित माहौल निवेश पर भारी पड़ा है। तो वहीं एजेंसी ने साल 2020 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 7.3 से घटाकर 6.7% कर दिया है। करीब एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी एजेंसी है जिसने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाया है। इससे पहले जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोबरा ने भी जीडीपी ग्रोथ को लेकर भारत को झटका दिया था। ऑटो सेक्टर से शुरू हुई ये मंदी अब अन्य सेक्टर पर भी देखी जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नाक समझा जाने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गया है। हर तरह की गाड़ियों की बिक्री में गिरावट लगातार जारी है। लगातार 8वें महीने आंकड़े ऐसे ही आए हैं। पैसेंजर गाड़ियों में इस साल जुलाई तक 19 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। पिछली जुलाई की तुलना में इस साल जुलाई में कारों की बिक्री 35.95% गिरी है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 37.48% नीचे आई है। तो वहीं अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो उस पर भी मंदी की मार अपने पैर पसार रही है। हालात अब ये हो गए हैं कि बिस्किट कंपनी पार्ले जी के कर्मचारियों पर भी छटनी की तलवार लटकी हुई है। हालांकि इस मंदी को लेकर आर्थिक सलाहकारों ने पहले ही सरकार को अवगत कराया था। मौजूदा आर्थिक गिरावट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाया नकदी का संकट एक अभूतपूर्व सी परिस्थिति है। राजीव कुमार ने कहा कि पिछले 70 सालों में किसी ने भी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी। We've not faced this sort of a liquidity, you know, sort of situation where the entire financial sector has been a jerk and nobody is trusting anybody else. It's not just the government and the private sector. Within the private sector, nobody wants to lend to anybody else. Everybody is sitting on, you know, on cash, but they will not move, etc. So there are two issues here. One, that you may have to take steps which are out of the ordinary, and these steps and the government, it takes a lot for a government, you know, which is inherited and which is or all the systems and the inertia, etc., to try and think there and go there. I mean, ours is not a system where, you know, we are encouraged to take risks. तो वही देश के शीर्ष अर्थशास्त्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश की अर्थव्यवस्था पिछले 5 साल के दौरान वृद्धि की सबसे खराब गति को निहार रही है। तो वही राजीव कुमार के बयान पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। आज भारत में कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है
इसमें बहुत गंभीर समस्या नहीं है। 3 करोड़ लोगों के सर के ऊपर आज तलवार लटक रही है कि कल वो बेरोजगार हो सकते हैं। आज ही बिस्किट बनाने वाले जो कंपनी है पार्ले जी, उसने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। आज रुपया एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, 72 है डॉलर के बनस्पत। जीडीपी का जो वृद्धि दर है वो आज बिल्कुल निचाई छो रहा है, 5.8% है इस क्वार्टर में, और अगर जीडीपी के पुराने बेस रेट पे लिया जाए तो इसका यह मतलब है कि 3.5% ये भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। सो कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि ना प्रधानमंत्री को, ना उनके वित्त मंत्री को, ना उनके वाणिज्य मंत्री को, और ना इस पूरी सरकार को ये मालूम है कि इस परिस्थिति के साथ किस तरह से निपटा जाए। एक बयान इस संकट की घड़ी में, जब भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, एक बयान प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की तरफ से नहीं आया। देश की इस सुस्त अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है, बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है, चीन अमेरिका ट्रेड वॉर से मंदी का खतरा बढ़ गया है। एंड द करंट इंटरनेशनल डॉलर टर्म्स, सो यू सी इंडिया अगेन इन येलो पोजिशन, कंफर्टेबली वेरी हाई। The growth rate still in comparison to many of these countries high, and if anything even compared to China and the United States, our growth rate is higher than everybody else. So let's just keep that at the back of our mind even as we go through this. बहरहाल आर्थिक मंदी के बीच हर तरफ से घिरी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान तो किए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इन दिनों भारी सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन और सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है, तो वहीं लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अभी भी कई पर छटनी की तलवार लटकी हुई है, कई सेक्टर मंदी के हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे में देश इस मंदी से कब तक उबर पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। देश मंदी के हालातों से गुजर रहा है, बल्कि यूं कहिए कि ये मंदी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वैश्विक मंदी है। अब हिंदुस्तान इसमें कितनी चपेट में है इसको लेकर ये देखना होगा, इस पर अभी आकलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी छटनियां शुरू हो रही हैं कई कंपनियों से। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसके बाद बिस्किट बनाने वाली पार्ले कंपनी पर भी मंदी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन देश के जो नीतिकार हैं, आर्थिक नीतिकार, वो कहते हैं कि अभी आकलन करने की जरूरत है, अभी देख रहे हैं कि हालात कितने बुरे हो सकते हैं। ऐसे में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर का ये असर है, जिसका असर हिंदुस्तान पर पड़ रहा है, लेकिन इस मंदी का असर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। सभी जगह की मुद्राएं डाउन हो रही हैं सिवाय डॉलर के, डॉलर को छोड़कर सभी जगह की मुद्राएं डाउन हैं। चाइना में इसका काफी असर है। चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था पिछले 3 दशक से सबसे ज्यादा ऊपर थी, सबसे ऊंची रही, कभी नीचे नहीं गई, चीन भी
चीन की भी अर्थव्यवस्था आज औंधे मुंह धड़ाम है। मंदी की मार झेल रहा है चीन, तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसकी मार झेल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कांग्रेस का आरोप है इधर कि 3 करोड़ लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, अगले ही पल वे बेरोजगार हो सकते हैं। हालांकि भारत में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है, लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर बैठक कर रही हैं, चिंता जाहिर कर रही हैं, इस पर आकलन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि हिंदुस्तान में इसका कितना असर है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा घर वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, एमएसएमई के सभी पेंडिंग जीएसटी रिफंड को 30 दिन के अंदर वापस दिया जाएगा। तो वहीं भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड से जुड़े मामले सामने आने के बाद 60 दिन के अंदर इसका समाधान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार बेस्ड केवाईसी के जरिए डीमैट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। हमारे साथ इस चर्चा में भूपेश अग्रवाल, युवा उद्योगपति, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी भूपेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, आ रही है जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर, थैंक यू। भूपेश जी, आज जिस मंदी के दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, वो संकट कितना गहरा है, इसका भी आकलन करना जरूरी है, आकलन हो रहा है, लेकिन क्या ऐसे दौर में हम ये कह सकते हैं कि हम मजबूत हैं? देखिए सर, अर्थव्यवस्था तो थोड़ी सी डाउन है इस समय जी। जैसे मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगा कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करता हूँ जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश की 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का जी, बिल्कुल। अगर इतिहास गवाह है, अगर जब जब ऑटोमोबाइल सेक्टर पे गिरावट आई है तो पूरे देश में मंदी आई है, बिल्कुल। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो देती है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर दे रही है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठा है, इसको गवर्नमेंट को कोई स्पेशल पैकेज इसके लिए लाना चाहिए जिससे कि दोबारा रिवैम्प हो सके ऑटोमोबाइल सेक्टर। भाई फाइनेंस थोड़ा सा कस्टमरों के लिए इजी करा जाए, थोड़ा बैंक थोड़ा से अपने लीनियंसी लाइन में इजी फाइनेंसिंग हो जाए कस्टमर को जी। थोड़ा सा भाई व्यापारियों के लिए जीएसटी के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाए कि जीएसटी में अभी आदमी इतना फंसा हुआ है कि वो अपनी बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। और बिल्कुल आरटीओ भी अगर देखा जाए तो आरटीओ चार्जेस ऑल इंडिया हर जगह बढ़ा दिए गए हैं, स्पेशली जैसे हम उत्तराखंड में व्यापार कर रहे हैं तो उत्तराखंड में आरटीओ चार्जेस जो है अन्य राज्य जो आसपास के राज्य से यूपी हुआ इन सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ ग्राहक जो उत्तराखंड से भी लेना चाहते हैं वो ना लेके वो यूपी की तरफ मुड़ रहे हैं जी। तो जी, थोड़ा सा मेरा यही रहेगा जी। जी जी जी, रोकेंगे आपको। हमारे साथ आदित्य मनिया जैन भी जुड़ गए हैं, जो उद्योगपति हैं। आदित्य मनिया जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। आदित्य मनिया जैन जी, जो स्थिति आज हिंदुस्तान में जो अर्थव्यवस्था की है उसको आप कितनी गंभीर मान रहे हैं, कितनी चिंताजनक ये स्थिति है, किन किन कंपनियों पर मंदी की मार पड़ सकती है? ऑटोमोबाइल पर तो पड़ ही रही है। हमारे साथ भूपेश अग्रवाल जी हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और युवा उद्योगपति हैं। वो बता रहे थे कि जब जब मंदी आई है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, समझ लीजिए देश पर मंदी आई है, तो अभी और कितनी कंपनियों पर यह मंदी की मार पड़ सकती है, देश के हालात कहां तक जा सकते हैं? देखिए, ये जो देश के हालात जो खराब हुए हैं जी, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइज है और भारत पर इनका जो थोड़ा प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसके 2-3 बड़े कारण जो सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बदलती परिस्थितियों में आर्थिक वृद्धि दर का जो पुराना बेंचमार्क है वो भी एक बड़ा मंदी का एहसास करा रहा है। हमने देखा कि 1 दशक से लगभग हर साल दुनिया में आर्थिक मंदी की बात होती है और ये बात भारत पर बहुत तेजी से लागू होती है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के बाद जो है
एफएमसीजी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर है, इन पर बहुत तेजी से इन मंदी का प्रभाव पड़ रहा है। दो कारण बड़े सामने दिख रहे हैं जी। एक तो जो कर्ज का बोझ है वो आम आदमी पर, इंडस्ट्रीज पर, डीलर पर बहुत तेजी से पड़ रहा है। दूसरा जो जनता है वह ये समझ रही है कि हम आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कोई हमारे लिए पॉजिटिव बयान नहीं आ रहे, कोई पॉजिटिव वेव नहीं आ रही, तो वो जो खर्चे की रकम है वो भी खर्चा नहीं कर रहा है। ये दो बड़े कारण सामने आए। अभी हमने देखा कि एफएमसीजी में बिस्किट के ऊपर से एक बड़ा बहस छिड़ने वाली है, उसका जो बड़ा कारण सामने आया है कि वह जीएसटी 18% लगा है, इसकी वजह से उनकी बिक्री पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से बूस्टर पैकेज दिया है और कहा है कि ऐसे रिफॉर्म्स और भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तब कहीं ये मैंने जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं पे जो बादल आ गए हैं जो मंदी के, ये धीरे धीरे छट सकते हैं जी। यानी कि वर्ल्ड वाइड तो है ही ये मंदी, अमेरिकी डॉलर बस नहीं गिरा है बल्कि सभी जगह की मुद्राएं गिर गई हैं अमेरिकी डॉलर को छोड़कर। तो क्या आदित्य मनिया जैन जी क्या जो जीएसटी को आप इसका एक बड़ा कारण मानते हैं? जी निश्चित तौर पर, भारत में हम देखें तो कई चीजों पर जीएसटी जो है वो जो लगा है उसका एक बड़ा कारण सामने आया है, लेकिन उसका सरलीकरण जितनी जल्दी हो रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये काम अब धीरे धीरे इसके बादल छट रहे हैं। लेकिन दुनिया के देशों में जो ट्रेड वार है उसके अलावा करेंसी वार जो चालू हो गया है उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। दूसरा, हम अपने उत्पादकता के ऊपर हम अपनी पूरी बिक्री नहीं कर पा रहे। एक बात और है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आबादी घटाई है, लेकिन चीन, उत्तरी कोरिया और जापान में घटती आबादी के कारण भी जीडीपी गिरी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2040 तक आते आते हमारे यहाँ घटती आबादी का असर भी जीडीपी पर पड़ने लगे। जी बिल्कुल। भूपेश अग्रवाल जी, आप कितने सहमत हैं मनिया जी की बातों से? मनिया जी की बात से मैं करीब करीब सहमत हूँ, जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जीएसटी को लेके देखिए, जीएसटी में ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएसटी गलत रिफॉर्म आया, जीएसटी बहुत जरूरी था एक डेवलपिंग कंट्री लाने के लिए जी। लेकिन थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन है अगर जीएसटी का कर दिया जाता तो ये जो समस्याओं में लोग फंसे हैं, बिजनेसमैन फंसे हुए हैं, उससे थोड़ा सा निजात मिलती तो उससे और आदमी का जो फोकस होता अपने धंधे पे ज्यादा होता। अब आदमी को अभी तक यही क्लियरिफाई नहीं है कि कोई भी रिटर्न जो होती है बगैर वकीलों के भरना बहुत मुश्किल हो जाती है, जो वकील साहब बोल देते हैं उसको मानना पड़ता है आम बिजनेसमैन को। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा इसमें अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, कुछ वर्कशॉप्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराए जिसमें कि सब व्यापारियों को बुला के समझाया जाए कैसे करा जाता है, थोड़ी सिंपलिसिटी आ जाए इसमें जी, तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इस चीज से लेके। फिर वकीलों पे असर पड़ेगा? वकीलों पे नहीं, बिजनेसमैन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सब वकीलों पे निर्भर बैठे हुए हैं। जो एडवोकेट ने कह दिया उसको मानना पड़ रहा है जी। आकाश जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी आकाश जी, आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। भूपेश अग्रवाल जी, जीएसटी एक बड़ा कारण बता रहे हैं मनिया जी, जीएसटी का सरलीकरण भी हर साल हो रहा है, लगातार सरकार कर रही है, अब टैक्स पर भी सरकार कटौती कर रही है, क्या इन सब का असर जो ये मंदी आई है इसको हटाने के लिए पड़ेगा? क्योंकि टैक्स में जो कटौती सरकार दे रही है बार बार और इसका सरलीकरण भी कर रही है, तो जाहिर है लोगों की समझ में भी जल्दी आएगा। जीएसटी एक इस तरह का जाल, अभी लोग समझते हैं इसको कि वो उसको समझना ही एक बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन उसको जिस तरह से सरलीकरण उसका हो रहा है, लोगों को बार बार उसके फायदे बताए जा रहे हैं, सरकार उसमें जिस तरह से लगातार बदलाव करती आ रही है, उससे आने वाले वक्त में क्या फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? जी भूपेश जी। जी सर। सर इसमें सरकार तो देखिए अपनी तरफ से कर रही है पहल। अब जैसे मैं अपनी ऑटोमोबाइल की बात करूं सर, सरकार ने ये कहा कि भाई जीएसटी जो है मैक्सिमम स्लैब 28% का लगेगा, ठीक है सर, उसके अलावा 15% सेस चार्ज करा जा रहा है। तो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो एक कस्टमर से हमने 43% टैक्स हम उसको जीएसटी और सेस के नाम पे ले रहे हैं जी। तो उससे क्या है कि गाड़ियों की कीमत और महंगी हो गई है, जो पहले हम जो गाड़ी बेचते थे इतना एक्साइज ड्यूटी और वैट मिला के जितना टैक्स नहीं आता, उससे ज्यादा अब जीएसटी और सेस मिला के हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस वजह से अगर देखिए तो गाड़ी काफी महंगी हो गई, गाड़ियां महंगी होगी तो देखो अपने अल्टीमेटली ये है कि कंज्यूमर उससे पीछे हटेगा, जब कंज्यूमर पीछे हटेगा तो सेल कम अपने आप ही होनी है, तो वो एक सर्कल है भाई, एक कमाता है तो उससे दूसरा कमाता है, दूसरा कमाता है तीसरा कमाता है, तो वो सर्कल में वो पैसा रुक गया है, वो पैसा घूम नहीं पा रहा है। बिल्कुल, ये एक सर्कल है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और जिससे बिजनेस चलता है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद आकाश जी। जो अभी जो मंदी आ रही है, क्या हम मान लें कि हम 2008 के दौर में वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं, 2008 वाज अ टोटली डिफरेंट पीरियड, द करंट पीरियड कांट बी कंपेयर्ड विद 2008 पीरियड, बिकॉज उस टाइम क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जी, क्या है डिमांड, अगर ग्लोबल क्राइसिस की बात नहीं तो इस समय अमेरिका चाइना ये काफी फिर है। इंडिया की अपनी बात करें तो इंडिया एनबीएफसी का क्राइसिस, कुछ नॉन बैंक फेल हो गई है पर लेंडिंग मार्केट जी, देयर लैक ऑफ कैश इन द मार्केट, देयर लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट डजंट हैव मनी, अ ट्रेडर और बिजनेसमैन इफ यू टॉक, माय ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in has done a first hand research, spoken to many traders businessmen, what they are saying is we don't have cash, so liquidity infusion is required and demand is lacking, so wo cheeze address nahi thi, to sarkar ne kafi had tak, dekhi sabse pehli baat सरकार ने आज एक चीज करने की है कि वो बात को सुनती है जी, तो एक जो सेंटिमेंट है, कोई भी बिजनेसमैन आपको बता देगा कि बिजनेस में फंडामेंटल चेंजेस के साथ साथ सेंटिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटिमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा, तो आई थिंक पब्लिक हैज बीन कन्वेड, बिजनेसमैन हैज बीन कन्वेड दैट यस द गवर्नमेंट इज वेरी मच विद यू, वो एक हिंदी फिल्म थी मशहूर हम साथ साथ हैं, मैसेज हैव बीन कन्वेड दैट यस द गवर्नमेंट इज विद यू, वो मैसेज कम्युनिकेट किया गया, इनकम टैक्स के प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया है, फेसलेस असेसमेंट की बात हुई है, जीएसटी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड, 70,000 crore हैज बीन इन्फ्यूज्ड इनटू पीएसयू बैंक, इट वुड बी इन्फ्यूज्ड। हाँ एक डिमांड मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in इंडिया के सभी बड़े चैनल्स के थ्रू ये डिमांड सरकार से रख रही थी कि जीएसटी डिडक्शन की जाए, वो भी हो जाती तो बहुत अच्छा था, बट स्टिल अ लॉट हैज बीन डन, so what has been done today is definitely a right step in the right direction, ab kya ye kafi hai, kafi pe main ye kahunga ki ha aur ho sakta tha, but at least sarkar ne ek shuruaat ki hai, ek businessman ke liye hand holding process hai ki ha aapke hum saath khade hain, aapki takleef, we are here to listen to your grievance, we are here to, we'll try to address your grievance, तो वो एक बहुत बड़ा एक सेंटीमेंटल बूस्टर, सेंटीमेंट बूस्टर रहेगा, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, आई वेलकम दिस पॉजिटिव स्टेप जी। बिल्कुल, हमारे साथ प्रकाश मीर चंदानी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। प्रकाश मीर चंदानी जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। प्रकाश जी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है बोलिए जी। प्रकाश जी आज जिस तरह की मंदी हिंदुस्तान में है, क्या हम मान लें इसके बावजूद कि हम मजबूत हैं? मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो हम मजबूत हैं। आज जिस तरीके से देश की आर्थिक उन्नति और प्रगति हुई है, भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से लगाम लगाई जा रही है, उन सारी बातों से ये बिल्कुल साबित होता है कि इस देश में कहीं कोई मंदी का माहौल नहीं है और लगातार जो भी आंकड़े आ रहे हैं नहीं है तो नौकरियां क्यों जा रही हैं लोगों की, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गाज क्यों गिर रही है मंदी की? देखिए यूपीए सरकार के समय पे कुछ लोगों ने जो करप्शन करके, जो इन्वेस्टमेंट करके और अपना ब्लैक को व्हाइट करने के लिए जो कोशिश तमाम सारी चीजें की थी कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, अब उनको ये लग रहा है कि खतरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में टैक्स भी जमा करना है और हिंदुस्तान के नियम कायदे और कानून के हिसाब से चलना है। इस दृष्टिगत बहुत सारे जो ऐसे नकली टाइप के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे या नकली इंडस्ट्रियों वाले लोग थे, उनके कारोबार पे तमाम थोड़ी सी लगाम लगी है, तो यानी कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, की कोशिश कर रहे हैं चंदानी जी, जो फर्जीवाड़ा हो रहा था अगर अब सरकार उस पर लगाम लगा रही है तो लोग उसको मंदी का नाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और ये बंद हो रहे हैं, जो एक नंबर का काम कर रहे हैं, झूठ बोल के चल सकते हैं लेकिन लंबे समय तक ये झूठ नहीं चल सकता। लगातार हिंदुस्तान में हर व्यक्ति रोजगार की तरफ अग्रसर है, चाहे मुद्रा योजना के तहत जिस तरीके से लाखों लोगों को जो रोजगार मिला है,
आने वाले भविष्य में और भी अन्य अन्य योजनाएं आ रही जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इवन रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि दूसरों को भी रोजगार देने लगेंगे। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि होप करना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो गलत फैलाकर ये सब चीजें चंदानी जी, जब से चाइना में राष्ट्रपति बदले हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है, तो वहाँ भी मंदी आ गई। यानी कि भ्रष्टाचार पर आप नकेल कसेंगे तो मंदी आएगी। ये हास्यप्रद है, आपको भी लग रहा होगा भानु जी कि किस तरीके से लोग बाग किस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और सांझ को आज क्या है, देखिए जहाँ भी काम होगा वो दिखेगा, जब लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, जब लोगों को ये काम धंधे से अपने आप में सक्सेस मिलेगी और संपन्नता जैसे आएगी, वैसे वो खुद ही आगे बढ़ बढ़कर ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ उद्योगपति हैं आदित्य मनिया जैन जी। आदित्य मनिया जैन जी, कितने आप इनकी बात का समर्थन करते हैं? बीजेपी नेता है प्रकाश मीर चंदानी जी। प्रकाश जी की कहीं कहीं बात ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह इनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इनका जो पूरा बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। आज स्वयं माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने माना है कि देश में स्लो डाउन है, इससे नौकरियां जा रही हैं। दरअसल बढ़ते ब्याज के बोझ का जो कारण है, दूसरा उठाव मार्केट में नहीं आ पाया है, तीसरी ऑटो इंडस्ट्रीज में पिछले एक साल से लगातार मांग बढ़ रही थी जिससे इन्वेंट्री बढ़ गई है। आदित्य जी, नोटबंदी का असर इस पर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, अब नोटबंदी की बात तो बहुत पुरानी हो गई है, नोटबंदी को अब हम इससे इस मंदी से नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि दूसरा बड़ा कारण है कि दुनिया भर में वो बॉन्ड यील्ड जो है उनमें काफी डिफरेंस आ गया है। अमेरिका में 10 साल और 2 साल की बॉन्ड यील्ड यू कर्व पर है, भारत में भी ब्याज दर में और लेंडिंग ब्याज दर में काफी फर्क है। इसलिए ये फर्क आ रहा है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ये ऐसे होते हैं कि लगातार जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है उसके बाद एक स्लो डाउन आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत मंदी की तरफ मुड़ गया है, लेकिन भारत स्लो डाउन की तरफ बिल्कुल है। भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था डाउन हुई है तो ये बढ़ने के लिए हुई है। जैसे कि कहते हैं कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो उतनी लंबी छलांग भी लगाता है। जी, ये बात भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य मनिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश मीर चंदानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बात हिंदुस्तान की में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।